हमने जो प्रीवियस कुछ टॉपिक्स देखे उसमें ये देखा कि एक अच्छी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के क्या गुड डीड्स हैं, क्या अच्छी बातें फॉलो करनी चाहिए। फिर हमने देखा कि मिस्टेक्स क्या हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। फिर हमने एक रिसर्च आर्टिकल से ये भी मैंने डाटा शेयर किया कि कौन से ऐसे प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं जो एक विजिटर को मजबूर कर देते हैं एक अच्छी वेबसाइट या वेबसाइट्स की तरफ आने के लिए। फिर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मजबूर कर देते हैं कि वेबसाइट से चले जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मुआवजना करें तो देखिए कि जो लेके आते हैं और जो हटा देते हैं उनमें मुआवजना कंपैरिजन करें, तो पहला पॉइंट जो जो अट्रैक्ट करता है, जो पीपल्स को इन्वाइट करता है टूवर्ड्स एक एक वेबसाइट की तरफ आने के लिए, वो है ईज ऑफ यूज़। देखिए, ईज ऑफ यूज, कितनी आसानी से आप फीचर्स को इस्तेमाल और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसको नेविगेट कर रहे हैं, पूरी वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। और अगर व्हाट मेक्स पीपल टू टर्न ऑफ दैट इज इसका पहला पॉइंट जो है वो आई गेस मेरी स्लाइड पे मिसिंग है, उस पर ओवरराइट हो रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है, व्हाट मेक्स पीपल टू टर्न ऑफ, ये हेल्प बटन से ऊपर जो है 87%, उसमें क्या है जी? एनीवन कैन स्पीक लाउड? ये पहला सॉरी, व्हाट मेक्स पीपल टू टर्न ऑफ फ्रॉम योर वेबसाइट, ये फर्स्ट पॉइंट मेरे पास ओवरराइट होके आ रहा है। आई हैव दिस यूजिंग दिस आईफोन, तो आईफोन पर ही ओवरराइट हो रहा है। ये जिसकी 87% हो रही है, क्या पहला पॉइंट है? हेलो स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही? ऐसे ही कुछ नजर आ रहा है, स्लो जैसा साइड 87%। स्लो लोडिंग वेबसाइट, क्यों आपको भी ओवरराइट होके आ रहा है? आपको तो ओवरराइट होके नहीं आना चाहिए। क्या ये आ रहा है चीज स्लो लो, लिखी हुई नजर आ रही? स्लो लोडिंग वेबसाइट होगा, स्लो वही स्लो लोडिंग वेबसाइट। और उधर देखें कि व्हाट टेक्स पीपल टू कम बैक टू सर यही है, डाउनलोड टाइम, स्लो फास्ट लोडिंग डाउनलोड टाइम। वेबसाइट्स। उधर फास्ट डाउनलोड टाइम है, इधर स्लो लोडिंग है, उधर रेगुलर अपडेटेड है, और इधर जो हेल्प बटन है, फैक्स है, दैट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। फिर व्हाट मेक्स पीपल टू कम बैक, क्वालिटी ऑफ कंटेंट, फिर उसकी क्वांटिटी ऑफ कंटेंट, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए ओवर एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि सिंपल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसका कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए, वो ऐसा कंटेंट हो जो कहीं से कॉपी पेस्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर वेब पेज आप ही बनाते हैं, एक पेज इन्फॉर्मेशन आप देने के लिए बनाते हैं और वही आप कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं अच्छी साइट से कि एक पैराग्राफ यहाँ से उठाया, एक वहां से उठाया, तो इसकी कंटेंट की जेन्युइनिटी वो गूगल जो एल्गोरिदम के थ्रू निकालेगा कि ये उसका पेज रैंक कंटेंट क्वालिटी का नहीं बनेगा। क्यों? कि ये इन्फॉर्मेशन कहीं उस पेज से लिए, कुछ उस पेज से लिए, जो आपका जेन्युइन पेज है, जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कहीं भी ना हो और जेन्युइनिटी को शो कर रही हो, तो वो उसकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। अगर किसी ने एसईओ पढ़ी है या एसईओ पे काम कर रहा है, ये इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा होगा कि पेज रैंक जो होता है वो डिफरेंट पैरामीटर्स की बेस पर एक बनता है कि वो वेबसाइट कब से ओरिजिनेट की हुई है, ओरिजिनेटर आइडेंटिटी, ओरिजिनर की उस वेबसाइट को कब से, जितनी पुरानी वेबसाइट्स होती हैं उसकी रैंकिंग में उसका इफेक्ट आ रहा होता है। फिर वो कंटेंट कितनी दफा अपडेट हो रहा है, ये नहीं कि 15 साल पहले कि आप जो आपने वेबसाइट बना ली है, डाटा है, वही आपने पेज रखा, नहीं। तो कंटेंट को आपने अप करना है, रिवाइज भी करना है, इम्प्रूव भी करना है, तो ये डिफरेंट। फिर हम देखते हैं कि एक अच्छी वेबसाइट को अगर आपने डिजाइन, फॉर एग्जाम्पल इस लेक्चर के एंड में मैं छोटी सी टास्क नेक्स्ट वीक के लिए ये भी दे दूंगा, नेक्स्ट वीक जो आपकी फर्स्ट क्लास होगी उसमें एक पार्ट, दो पार्ट होंगे असाइनमेंट के। एक पार्ट तो ये होगा कि कुछ मैं वेबसाइट्स आपको यूआरएल और नाम बता दूंगा, यूआरएल बेसिकली बता दूंगा और नाम भी सब बता दूंगा। उनको आपने ये जो वेबसाइट के जो ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं और यूजिबिलिटी वैल्यूएशन के जो प्रिंसिपल, इसकी एक चेकलिस्ट बना लें। ये तकरीबन कितने पॉइंट्स बनते हैं ये आप देख लें कि 15 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है, इसका एक 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 वेबसाइट्स के वाले से। तो इसका एक चेकलिस्ट बना लें, और अगर आपने इसको एक एवेल्यूएट करना है उन उन वेबसाइट्स को, और उसमें जारी बात है कुछ हमारे पाकिस्तान प्रोस्पेक्टिव से होंगी, कुछ बाहर के मालिक से होंगी, हम एक एजुकेशन सेक्टर को टारगेट कर लेते हैं और देखते हैं एजुकेशन से ताल्लुक आप लोगों का भी है और वेबसाइट पे कैसी कैसी चीज़ें हैं। तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने देखना है कि कौन से फीचर जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तीन आपने एट्रीब्यूट कॉलम बनाने, एक तो प्रिंसिपल का बनाना है वेबसाइट वैल्यूएशन के हवाले से, वेबसाइट वैल्यूएशन का एक बनाना है। फिर आपने बनाने हैं कि कितने पॉइंट्स प्रिंसिपल आपको सपोर्ट करें, कितने नॉट सपोर्टेड हैं, और
कुछ ऐसा भी होगा जो नॉट एप्लीकेबल या अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे या नॉट एप्लीकेबल होंगे, तो वो आप देखना है पूरी वेबसाइट को नेविगेट एक्सप्लोर करके देखना है कि कौन कौन से प्रिंसिपल सपोर्ट कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे, और जो नहीं कर रहे और जो उसमें कभी बेशी अगर हैं तो वो आप एक छोटी सी एक पैराग्राफ में रिपोर्ट बना सकते हैं। लेट्स से मैं आपको तीन वेबसाइट दूंगा, एक अभी बता रहा हूँ फेडरल यूनिवर्सिटी दूंगा और एक और कोई यूनिवर्सिटी हमारी जो है कंपैरिजन के हिसाब से और यूनिवर्सिटी का एक कंपैरिजन दे दूंगा और एक बाहर के मालिक की दे दूंगा, तो दो तीन तीन मैं दूंगा तो उसको कंपैरिजन करके थोड़ा सा एक रिपोर्ट बना सकते हो। और एट द एंड एक एनालिसिस आपने एक समरी लिख के बतानी है कि कौन कौन से प्रिंसिपल अगर फॉलो नहीं हो रहे उसमें जिसमें कमी पेशी है और उसको क्या क्या प्रिंसिपल सपोर्ट करके कैसे अचीव किया जा सकता है, उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बड़े मज़े की एक ये छोटी सी टास्क है, ये कोई ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, मगर इसके साथ जो दूसरी एक मैं टास्क दूंगा वो आपने जो हमारी वेबसाइट जो है जो हमारी फेडरल यूनिवर्सिटी की है उसको स्टैटिक तौर पे आपने डिज़ाइन बनाना है, ठीक है ना। डिज़ाइन का मतलब है आपने यूजिंग आप अपना ASP.NET यूज़ करें जो PHP में बनाएं .HTML CSS को यूज़ करके आप बनाएं, उसका जो स्टैटिक पोर्शन है जो कोई डायनामिक पोर्शन है या MIS से कोई इन्वॉल्वमेंट है या कोई और डायनामिकली वो चीज़ें नहीं शो करनी। तो अगर आप बेसिक वेबसाइट को एक्सप्लोर करें तो 5-6 मेजर फीचर्स हैं, होम पेज है जहाँ पर इंट्रोडक्शन या VC के इंट्रोडक्शन है, हमारी फैकल्टी डिपार्टमेंट वाइज हैं, हर डिपार्टमेंट 7-8 है उनका इंट्रोडक्शन है, प्लस हमारी फ़ी स्ट्रक्चर है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के कॉन्टैक्ट्स वगैरह है, फैसिलिटीज़ इस तरह की चीज़ें। तो आपने मेजर जो है पहले डाटा जो है ज़रा डाटा आप नोटपैड वगैरह में या वर्ड में आप उसको पहले फॉर्मेट अलाइन वगैरह करें, फिर आप अपनी एक वेबसाइट को डिज़ाइन अलाइनमेंट यूजिंग जो वेबसाइट्स के जो ह्यूरिस्टिक या डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स हैं, वेबसाइट वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए फिर ख़ास तौर पर जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के जो प्रिंसिपल्स मैंने लेक्चर पढ़ाए इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट किए, कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे इकोनॉमाइज, कैसे वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है, तो एक अच्छी सी एक वेबसाइट आप एक मॉडल वेबसाइट एक डिज़ाइन कर सकते हैं प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट वीक तक जो है जो पहली जो क्लास है उसमें दोनों चीज़ें जो है चीज़ें आपने अपलोड करनी है, एक आपने एक वो रिपोर्ट वैल्यूएशन की रिपोर्ट करनी है वैल्यूएशन को प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। इससे प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, अगर पेपर में या फ्यूचर में कोई टास्क या कोई चीज़ आते हैं तो लोगों को पता हो कि यार ये इसको कैसे टैकल करना है। और दूसरा आपने जो एक जो हमारे जो FUST की वेबसाइट है कोई इतनी बड़ी नहीं है छोटी सी है, तो उसको चीज़ें प्लान करनी है उसके क्या फीचर्स है किस तरह, तो सबसे पहले चीज़ें डाटा वहाँ से आप उठा लेंगे किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करनी है, और सबको पता है कि वो कितनी पुअरली वो डिज़ाइंड और मैप्ड हुई हुई है और कोई सर पैर नहीं है कोई भी इवेंट वगैरह के लिए, तो उसमें इवेंट्स का भी एक कोई सेक्शन है, तो ये नहीं कि आप डिटो कॉपी हर चीज़ उसमें दिखाएं, बस एक रिप्रेजेंटेटिव तौर पे दिखा सकते हैं, एक आइडिया हो सकता है। तो आपने HTML CSS भी चीज़ें पढ़ी हैं, वेब का पूरा कोर्स पढ़ा है, फिर आप कुछ डिज़ाइन के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, लेआउट के प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, जिस तरह ग्रुप है, चंकिंग है, नेविगेशन सपोर्ट है, कॉन्सेप्ट जो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए जो लेआउट है, फोर हेडिंग है, बैकग्राउंड्स हैं, लोगोज है, नेविगेशन सपोर्ट है, सर्च फैसिलिटी है, ये इतने बेशुमार कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े आपने, कंसिस्टेंसी है, तो ये सारी चीज़ें को आपने थोड़ा सा अप्लाई करना ताकि आपकी ये प्रैक्टिस हो। मैंने एक हैंडबुक भी डिज़ाइन करने के लिए बनाई थी, वो लोगों ने सबमिट कराई है, वो चीज़ें रिकॉर्ड में है, तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा देखते हैं ये जो आपको हेल्प आउट भी करेगी, अगर एक वेबसाइट को आप प्लान कर रहे हैं तो बीइंग अ डिज़ाइनर आपने क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपने मेंटेन करनी है जो आपको इस टास्क में हेल्प आउट भी करेगा, और ये जो जो हमने गुड प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, रिस्टिक प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, जो हमने अच्छी बातें देखी हैं कि एक अच्छी वेबसाइट में क्या गुड डीड्स अच्छी बातें क्या होनी चाहिए, तो वो चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, जब आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख के अप्लाई करेंगे तो आप में वो चीज़ें आ जाएंगी। इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द डिज़ाइनर्स टू रिमेंबर, ये दो बातें हैं जो बेसिक जो मेन चीज़ें आप बीइंग अ डिज़ाइनर ऑफ एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, चंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लिंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। सबसे पहले चंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स के डाटा तो इम्पॉर्टेंट है कि आपने वो क्या डाटा लेना है क्या दिखाना है वो तो आपको मिल जाएगा, जिस तरह हमने कहा कि FUST की वेबसाइट है वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है,
ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन सारी आपके पास है। अब वो इन्फॉर्मेशन तो है, मगर अब आपने उसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, मीन्स की ग्रुपिंग कैसे करनी है, और फिर उसको लिंकिंग, उसकी नेविगेशन, उसके रिलेशनशिप शो करने कैसे करने। अभी आप ये देखें, लाजमी नहीं है कि आप जहाँ पर डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट में आप वो देखें कि वो कोई 75 पेजेस की एक स्क्रीन नीचे चलती है। स्क्रॉलिंग के पेजेस के क्या प्रिंसिपल है कि मिनिमम जो पेज का साइज है वो अप टिल 2 से लेके अप टिल 3 जो एक स्क्रीन की लिमिट है उस तक आपका पेज होना चाहिए, यानी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल तो होना नहीं चाहिए, वर्टिकल आपका कितने ना कोई पूरा पेज खाली है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। तो आप डिपार्टमेंट का जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो उस इंट्रोडक्शन के साथ उसकी फैकल्टी, उसकी जो और सक्सेस है वो चीज़ें भी साथ शो कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स आप किस फीचर को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नहीं कि उसी को डिटो कॉपी दी। फिर जो आप अच्छी वेबसाइट्स को जिस तरह भी एवेल्यूएशन के लिए आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको एक आइडिया होगा कि कैसे एक अच्छी वेबसाइट्स है, कैसे वो चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे वो चीज़ें शो कर रहे हैं, क्यों वो नंबर वन इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA की है, टॉप वन यूनिवर्सिटी क्वालिटी वाइज है, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। फिर जब आप उसकी वेबसाइट्स को आप क्रिटिकली असेस और एवेल्यूएट करेंगे, आपको वो पता लगेगा कि यार उसमें कैसी चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जा रही है, कैसे इंफॉर्मेशन मैटर को दिखाया जा रहा है। तो वो चीज़ भी बड़ी इंप्रेसिव होती है। अगर दुनिया को वो इंफॉर्मेशन ना दिखाई जाए तो लोगों के नज़र ही नहीं आ रही होता कि क्या हो रहा है। फिर इस तरह और वेबसाइट्स हैं, फिर इस तरह पाकिस्तान में भी कुछ अच्छी हैं, कुछ सो सो एवरेज हैं। तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो रहा होगा कि अच्छा कैसे, वहाँ से भी एक आइडिया हो रहा होगा यार वो कैसे थीम दिखा रहे हैं, कैसे लेआउट दिखा रहे हैं। तो ये नहीं है कि बस आप सोचने बैठ जाएंगे यार क्या करेंगे। तो ये जो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स हैं ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प आउट कर रही होती है। तो इस लेक्चर के अंदर ये जो भी हम दो ये देखें, दो स्लाइड्स हैं बेसिकली और कुछ भी नहीं है, तो ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें हेल्प आउट भी करेंगी उसके लिए। तो इंफॉर्मेशन को पहले स्ट्रक्चरिंग करना, स्ट्रक्चरिंग का मतलब है डाटा तो आप ले रहे हैं कि क्या क्या दिखाना है, फिर आपने प्लान करना है, सिर्फ पेपर पे बैठ के डिजाइन नहीं, पहले रफ में प्लान करना है अच्छा क्या क्या है, क्या क्या सेक्शन, किस किस चीज़ को किस किस तरीके से दिखाएंगे। आपका अपना एक उसकी थीम हो सकती है, अपना आपका लेआउट का एक प्रेजेंटेशन का मैकेनिज्म हो सकता है। किसी को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, कोई करता है नहीं करता उससे कोई कंसर्न नहीं है। आपने अपनी हम सब ने अपनी अपनी कबर में जाना है, ठीक है। आप अपनी जवाब दें, आप अपने काम को करें, ये इंडिविजुअल टास्क है, किसी की ग्रुप बेस्ड कोई चीज़ नहीं है। और चंकिंग इन्फॉर्मेशन एंड लिंकिंग इन्फॉर्मेशन, व्हाई यू आर डेवलपिंग अ वेबसाइट, ये फिर डिजाइनर ने भी कुछ इन क्वेश्चंस को एंटरटेन करना होता है, जवाब देना होता है, ठीक है। ओरिजिनेटर आइडेंटिटी मीन्स के किसके लिए बनाई जा रही है, ठीक है। मैं फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा देर में एक्सप्लेन करता हूँ, थर्ड पॉइंट को देखें क्योंकि लोग कंफ्यूज ना हो जाए, ओरिजिनेटर पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। और आइडेंटिफाई योर और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जी आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस एंड देयर टास्क। थोड़ा सा मैं फर्स्ट और थर्ड को जरा क्लियर करता चलूं कि थर्ड जो है वो है किन के लिए बनाई जा रही है, ठीक है ना, किन के लिए बनाई जा रही, जिन्होंने यूज करा। टारगेट ऑडियंस का मतलब है, जरा मैं टर्म बोलूंगा आप सबको, प्राइमरी एक्टर्स नहीं होते, जिन्होंने यूज करनी है टारगेट ऑडियंस, द यूजर्स ऑफ दैट वेबसाइट, जिन्होंने इस्तेमाल करनी है, वो कौन से यूजर्स है, उनकी टास्क है। और अगर आपको याद हो, हमने जब हम एनालिसिस और डिजाइन की चीजें देख रहे थे, डिजाइन में कॉन्सेप्चुअल मॉडल को स्टडी कर रहे थे, तो हमने ये बात भी की कि अगर आपको यूजर एनालिसिस अच्छा आपने किया हुआ है, तो यूजर का एनालिसिस आपने अगर अच्छा किया हुआ है तो आपको ये हेल्प आउट करेगा डिजाइन स्पेस में। जब आप कॉन्सेप्चुअल मॉडल अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, यूजर को अंडरस्टैंड करते हुए कॉन्सेप्चुअल मॉडल की तरफ जा रहे होंगे कि व्हाट यूजर इज थिंकिंग एट दिस मोमेंट एंड हाउ ही ओर शी इज बीन फीलिंग एट दिस मोमेंट, हाउ द सिस्टम विल लुक लाइक एंड हाउ द सिस्टम विल रिस्पॉन्ड, तो इट विल क्लियर द कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ द यूजर। तो यूजर की एनालिसिस अंडरस्टैंड करते हुए आपको कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्लियर होता है, टास्क जब अगर क्लियर होगी तो फिर आप डिजाइन स्पेस में भी अच्छे। तो टारगेट ऑडियंस का पता होना चाहिए। अब इससे पहले जो एक चीज बताई जा रही है कि ओरिजिनेटर आइडेंटिटी, यानी जो आप वेबसाइट आपसे बनवाना चाह रहा है वो कौन है, वेबसाइट पे आप उसका तारुफ नहीं लिखेंगे, वो कौन है, उसके बिजनेस का मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रिएटिंग दैट वेबसाइट, उसका पर्पस क्या है, उसकी थीम क्या है, उस चीज उसकी कहते हैं ना कि उस कोर तरफ आप समझना चाहें। कई लोग ऐसे होते हैं कहते हैं यार बस मुझे पोर्टल बना दे, बस यार मैं सोशल कम्युनिटी वेबसाइट बनाना, बस लोग आए
बस इतने बंच ऑफ फीचर्स हों कि बस दुनिया इसमें लगी रहे, ऐसे नहीं होता। तो आप जब किसी चीज को फोकस नहीं करते तो वो कहते हैं ना, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो अगर आप किसी चीज में, जिस तरह फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग करते आ रहे हैं आप, सेवन सेमेस्टर आ गए, मैंने आपको पहले समझाया था कि जिसने कुछ भी नहीं सीखा यार, अभी भी मौका है कि आप कोई एक टूल, डेवलपमेंट टूल पिक कर ले। मींस कि अगर आपको पीएचपी में कोई क्लिक आइडिया क्लिक होती है तो पीएचपी में कोडिंग शुरू कर ले, लर्न करना शुरू कर दें, अगर कुछ भी नहीं किया अभी तक, भी कुछ नहीं किया तो फोकस कर लें। स्टिल यू हैव वन एंड अ हाफ सेमेस्टर, वन सेमेस्टर स्टिल रिमेनिंग, मेहनत करें, डेवलपमेंट डिजाइन सीखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। पीएचपी पसंद है, ड्रॉइड पसंद है, आपको एएसपी पसंद है, वेब प्रोग्रामिंग यानी पसंद है, अगर आपको ओरेकल पे काम करना है, अगर आपको डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग करनी है, आपने एम्बेडेड प्रोग्रामिंग सीखी, आप डिजाइन साइड पे जाना चाहते हैं, आप डेटाबेस साइड पे जाना चाहते हैं, आप क्वालिटी एश्योरेंस साइड पे जाना चाहते हैं, टेस्टिंग साइड पे जाना चाहते हैं, कोऑर्डिनेशन साइड पे जाना चाहते हैं प्रोजेक्ट की, तो बेशुमार आपके पास चीजें हैं जिस पे आप जा सकते हैं। व्हाइल यू आर डेवलपिंग अ वेबसाइट, इनमें चीजें आपने कोई देखनी होती है कि ओरिजिनेटर आइडेंटिटी जो बनवाना चाह रहा है हमसे वेबसाइट, वो कौन है, और बेसिकली फिर उसके मेन ऑब्जेक्टिव यानी उसके क्या कोर मकसद है, उसका क्या थीम थी, उस तक पहुंचना है कि वो क्यों बनवाना चाह रहा है। वो आप ये कहें जी हाँ जी वेबसाइट जी बना देंगे, क्या ये फीचर, ओ भाई पहले आप जरा उसको तो जरा थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें, वो कौन है। लिखना नहीं होता, सिर्फ आपने जरा थोड़ा सा आपकी एक साइकी अंडरस्टैंड करने के लिए वो क्या मकसद है। फॉर एग्जांपल आप कहीं शॉपिंग भी करने जाते हैं तो जो आपसे जो ओनर है या जो सेल्समैन है वो आपसे पूछेगा कुछ क्वेश्चन करने के बाद, सोच आपकी सोच क्या, आप क्या चाहते हैं, किस वजह से, क्या मकसद है, फिर वो आप तक लेके आता है फिर आप। तो यही बात है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फिर आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस करना, कंसाइज आउटलाइन बनाना, ये देखिए रफ में है कि प्लान बनाना कि मेजर क्या सेक्शन है, उसके अंदर सब सब हेडिंग सेक्शन क्या होंगे, जिसको जिस तरह आप साइट मैप बनाते हैं ना एक अच्छी वेबसाइट में, एट द एंड आप फुटर साइट पे जाएं तो साइट मैप भी होता है। तो एक अच्छी कोर्स आउटलाइन कंटेंट्स बनाना कि मेजर क्या है, उसके अंदर सब सेक्शन क्या है, किस किस तरीके, फिर एक प्रोटोटाइप बनाना, और फिर उसकी कंटेंट जो भी आप उसमें ऑब्जेक्ट्स प्लेस कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चरिंग, उसकी उसकी अलाइनमेंट, उसकी ऑर्डरिंग, फिर उसके साथ नेविगेशन, और फिर एक प्रोटोटाइप को टेस्ट करना फ्रॉम द एक्चुअल यूजर। तो ये एक कुछ सवाल है, ये नहीं कि आप इनको थोड़ा सा एक एक रख रहे होते हैं, अच्छा यार ये मकसद है, ये मकसद है। तो मकसद ये भी है कि हम हमारे पास कोई अच्छा डिज़ाइन आता है तो हम वो जो है जो फाइनल प्रोजेक्ट भी हमने वेबसाइट्स के लिए काफ़ी स्टूडेंट से बनवाई और बहुत अच्छी बनी है। आई डोंट नो, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट जो है वो सर्वर रूम जो है उनमें कुछ बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई हुई है कि वेबसाइट बनाना, और अमेज्ड के जो सीआरज का जो फोरम है या जो यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट स्टूडेंट अफेयर्स को लोग डील करते रहे उसके थ्रू क्यों रिक्वेस्ट और टॉप मैनेजमेंट पे नहीं जाती, कि खुदारा ये एक हमारी यूनिवर्सिटी का डेफिनेटली एक अच्छा नाम भी है और अच्छी रेपो भी है खासतौर पे हमारे डिपार्टमेंट का, तो इसका जो पोर्टल है या इसका जो वेबसाइट है या इस पे थ्रू रजिस्ट्रेशन ये सारा कुछ, ये भी एक एक अच्छे तरीके से, एक सिस्टमाइज तरीके से, एक क्लासी तरीके से जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का होता है तो वो भी उस तरीके से होनी चाहिए वेबसाइट डिज़ाइन। तो ये तो एक मैं कहता हूँ कि पहले दूसरे सेमेस्टर के बच्चा भी अगर जो है ना वो डाटा जो सारा उठा के वो टेबल में डाटा डाल दे और टू कॉलम में डाल दे और उसको एक फ्रंट पेज जनरेट कर दे, उस तरह व्यू करना होता है। और एक अगर आपने रिजल्ट शो करना है तो हाइपरलिंक शो कर दें कि PS1 का रिजल्ट ये है, PS2 का रिजल्ट है, और PDF वहाँ पर उस पर अपलोड करके दिखा दें, तो वो ये कोई लेवल नहीं है। और रिजल्ट भी अगर ऑनलाइन शेयर करना है तो उसके थ्रू भी वो थ्रू IDMI ID के थ्रू ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वो बहुत बड़ा एक सिस्टम है, या तो बनाएं यूनिवर्सिटी या उसको अगर बनाया हुआ है तो उसको अपलोड प्रॉपर तरीके से करें, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब जो एक यूनिवर्सिटी एक अच्छी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए डिफरेंट है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपने करने हैं, ये 5 एलिमेंट्स हैं। एक अच्छी वेबसाइट जब डिज़ाइन करनी हो तो ये 5 एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना या प्लान करना ज़रूरी है। पहले नंबर 1 इज स्ट्रक्चरिंग है, फिर उसकी नेविगेशन है, फिर टेक्स्ट का, फिर विजुअल लेआउट अलाइनमेंट्स का, और फिर मीडियाज का इस्तेमाल करना। ठीक है, सबसे पहले है कि स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, जब आपके पास आपने एक वेबसाइट मॉडल वेबसाइट बनानी है
तो डेफिनेटली इंफॉर्मेशन तो आपको क्लाइंट और यूजर देगा, वो आपके पास आ जाएगी। तो फिर आपने ये देखना है कि सबसे पहले स्ट्रक्चरिंग, कौन से एलिमेंट्स हैं जो एक लिंक टुगेदर है, कौन से ऐसे हैं जो जिसको किस जगह प्लेस करना है। फिर नेविगेशन, आपने मूवमेंट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। बाज़ का फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ये डिपार्टमेंट है, इसकी डिपार्टमेंट की फैकल्टी है देखनी है, तो वो आप मोर प्रोसीड करते हैं तो वो आपको उस पेज पे बिलो पे ले जाए या नेक्स्ट पेज पे ले जाए। तो मूवमेंट फ्रॉम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन, कैसे नेविगेशन करनी है। वो एक हमने कुछ स्लाइड्स देखी थी कि मूवमेंट फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट मस्ट बी इन अ हारमोनियस वे। हारमोनियस मीन के हारमोनी एक क्रिएट होनी चाहिए, एक स्मूथनेस, एक एफर्टलेस यूजर को फील हो कि ये ना हो कि यार जो ही आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं आप कहते हैं यार ये बिल्कुल स्ट्रक्चरिंग चेंज है, इसमें जो नेविगेशन है वो है नहीं, फीचर्स ही नहीं है, इसमें लेआउट ही चेंज है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ों का ख्याल करना है। और जब एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप पेज को, ये भी डेफिनेटली एक पेज को एक डिज़ाइन करते हुए रूलर्स का कॉन्सेप्ट है वो लगाते हैं कि हेडर फुटर रखते हैं फिर, और आपके पास जो हेडर साइट है वहाँ पर टॉप पे लोगो नेम आ जाता है सारा। फिर आपने अगर मेन्यूज़ हैं तो मेन्यूज़ किस तरह डिस्प्ले करने हैं, अपने लेफ्ट साइड पे रखने हैं या फ्रंट पे रखने हैं या बॉटम पे भी, बॉटम पे भी एक्स्ट्रा अगर लेंथी वेबसाइट है या अगर आप उसको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं तो वही से मेन्यू जो है वो हाइपर लिंकिंग करके नीचे भी हो। तो अगर आप CSS फॉलो करते हैं प्रॉपरली, स्टाइल शीट्स फॉलो कर रहे हैं, तो वो आप उसके लेआउट्स का, उसकी थीम का ख्याल रखते हैं। तो स्ट्रक्चरिंग एक 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 फीचर है कि एक अच्छी मॉडल वेबसाइट डिज़ाइन करने का। फिर उसमें नेविगेशन है, फिर टेक्स्ट है। आपको याद होगा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के जो प्रिंसिपल्स थे उसमें जो एक मेजर प्रिंसिपल था वो कम्युनिकेट था। पहला था ऑर्गेनाइज, दूसरा था इकोनोमाइज और तीसरा था कम्युनिकेट। अब ये देखिए इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, अब वो चाहे वेबसाइट है, वो चाहे आप कोई एप्लीकेशन अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इन्फॉर्मेशन तो प्रेजेंट करनी करनी है। मगर कुछ ह्यूरिस्टिक और यूजिबिलिटी के एवेल्युएशन के वेबसाइट्स के प्रिंसिपल्स अदर देन जो डिज़ाइनिंग के जो प्रिंसिपल्स उनसे डिफरेंट भी है, कुछ मिलते जुलते भी हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि वो जो आपने 17-18 जो डिज़ाइनिंग के जो प्रिंसिपल्स देखे थे वो एक चेकलिस्ट वो भी बना दें, और उसमें बेशुमार काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूजबिलिटी इवैल्यूएशन, जो वेबसाइट की यूजबिलिटी इवैल्यूएशन के कुछ प्रिंसिपल्स देखे हैं साथ, तो उनके साथ मैच भी होते हैं। तो वो एक एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट बना सकते हैं आप, और एक चेकलिस्ट आप बना सकते हैं और उस उसकी बेस पर आप सब सब जितने भी आपके मॉडल वेबसाइट हैं एज अ जो एज अ रेफरेंस केस के तौर पे प्रेजेंट हो रहे हैं आप उसको एवेल्युएट करेंगे। ये नहीं कि कुछ प्रिंसिपल्स पर इसको एवेल्युएट किया, कुछ प्रिंसिपल पर इसको एवेल्युएट नहीं किया। तो एवेल्युएशन जब की जाती है अकॉर्डिंग टू द मेरिट, अकॉर्डिंग टू सेम क्राइटेरिया पे की जाती है। तो इसी तरह जब टीचर पढ़ाए तो मॉर्निंग वालों के साथ भी इसी तरह पढ़ाए, दूसरे सेक्शन वालों को भी इसी तरह पढ़ाए, इवनिंग वालों को भी इसी तरह पढ़ाए। ये नहीं कि हमें कुछ कराए और इवनिंग में कुछ कराए, ऐसा नहीं है। तो सेम पैटर्न सेम तरीकेकार पे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, गाइड किया जाता है। तो उसमें भी इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन में अगर आप याद करें कि तीसरा जो मेजर प्रिंसिपल था दैट इज कम्युनिकेट, और कम्युनिकेशन करना एक मकसद है। इन्फॉर्मेशन जब प्रेजेंट करें मगर वो कम्युनिकेट, तो कम्युनिकेशन में भी अगर आप जाएं तो उसमें कुछ सब प्रिंसिपल आ जाते थे। जो चीज़ आप इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं वो रेडिबल ही नहीं है, नोटिसेबल भी नहीं, एलिजिबल एलिजिबल होनी चाहिए, नोटिसेबल होनी चाहिए। फिर उसमें टाइपोग्राफी आ जाते हैं, जो फॉन्ट्स हैं, जो उसमें उसके फॉन्ट का जो साइज है और जो कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं फोरग्राउंड में जिस तरह दिखा रहे हैं, फिर उसका जो स्टाइल है वो बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर उसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट में जो एक पॉइंट था वो था सिम्बोलिज्म, सिम्बल्स, आइकन, साइंस, और किसी चीज़ से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी थीम को, तो वो चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। फिर था कलर्स, कलर्स का इस्तेमाल। तो ये टेक्स्ट भी जो है, जो आप टेक्स्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये नहीं है कि टाइम न्यू रोमन्स में और वर्डेरा जॉर्जिया में दिखाएं, तो जो स्क्रीन पर अच्छा एक फॉन्ट जो इजीली पढ़ा जाता है वो आप देख लें। उसमें दो फॉन्ट थे, एक सैंस सेरिफ था और एक सेरिफ फॉन्ट था, वो देख लें कि स्क्रीन पे कौन सा बेटर पढ़ा जाता है, प्रेजेंटेबल है, और हार्ड कॉपी पे कौन सा, जब हार्ड फॉर्मेट में अगर आपने पढ़ना हो तो वो कौन सा फॉन्ट है वो आप सेलेक्ट करते हैं, उसको आप उसको प्रीव्यू करके देखें वो पढ़ने के लिए। तो ये उस फॉन्ट का इस्तेमाल करना, फिर उसके फॉन्ट के जो साइज़ है वो बैलेंस होना चाहिए, फिर अलाइनमेंट है मैटर होना चाहिए,
एक टेक्स्ट को आप सिंपल आप पेज पे फेंक दिए और उस पेज को एक वे एक और तरीका, अगर उस पेज को आप ग्रिड करते हैं, ग्रिडिंग में रोज एंड कॉलम्स के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज करके डालते हैं, तो वो बड़ी बैलेंस बनती है। डेफिनेटली ये वो लोग बात समझ रहे होंगे जो वेब पेज अगर उन्हें डिजाइनिंग की हो ग्राफिक्स के अंदर या वो चीज़ बनाई हो, तो उस बात को समझ रहे होंगे। जिस तरह फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइम टाइम स्लाइस, सॉरी टाइम स्लाइसिंग कह रहा हूँ, ये क्रॉपिंग एंड स्लाइसिंग, क्रॉप स्लाइस करना किसी चीज को, आप एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, एक 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 स्क्रीन है उस पर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एक एक ऑब्जेक्ट डाल रहे हो और एक में ऐसा आप क्रॉप करके स्लाइस करके इंफॉर्मेशन थोड़े थोड़े चंक्स में डिफरेंट जगह पे डाल रहे हो बैक पर, तो क्रॉपिंग एंड स्लाइसिंग की टर्म भी एक बेटर वे में चीज़ों को साइमल्टेनियस वे में डाटा को लोड कर रही होती है, बजाय कि आप उसको डायरेक्ट एज अ होल फेंकें। फिर विजुअल लेआउट एंड अलाइनमेंट्स है, ठीक है, पेज का लेआउट है, फिर उसके लेआउट मीन्स के उस पेज को इंफॉर्मेशन को आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली किस अलाइनमेंट से, आपने वाइट स्पेसिंग का ख्याल किया होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एक वेबसाइट है जिसमें एक स्टैंडर्ड है कि 1024x768 जो है वो पेज का जो एक रेजोल्यूशन वो सेट करनी है, तो 1024x768 में बड़ी स्मूथली प्रेजेंट होता है, और आप देखें कि राइट और लेफ्ट में और हेडर और फुटर में वो स्पेस एक थोड़ी सी रखी जाती है, तो वो बेटर वे में प्रेजेंट करना उसकी। फिर मीडिया, अगर आपने कोई उसमें इमेजेस है, कोई आपने एनिमेशन है, या अगर आप मीडिया की बात, अगर आप करें ग्राफिक्स की बात कर ले एज अ होल, ग्राफिक्स पे दैट कम्स अंडर द ग्राफिक्स कैटेगरी, तो वो चीज़ें प्रेजेंट करनी है, तो उसको कैसे आपने दिखाना है या प्रेजेंट करना, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि आपने इस चीज़ को करनी है। और साथ साथ आपने उन चीज़ों को जो प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, आपने डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स पढ़े हैं, यूजबिलिटी के जो प्रिंसिपल्स देखे हैं, आपने वेबसाइट की जो ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स देखे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को पहले तरतीब देनी है। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है कि पेज पे आप वैसे उठा के आप पेज को आप अलाइन करें, क्या क्या चीज़ किस किस तरीके से दिखानी है उसको प्रॉपर पहले रफ पे प्लान करें, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ दिखानी है, फिर नेक्स्ट कहाँ किस पेज पे क्या चीज़ दिखानी है, वो सब चीज़ पहले रफ वर्क होता है, फिर आप उसके मुताबिक उसको डिजाइन करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कुछ ऐसी है, ये देखें, ये आपको चीज़ें गाइड कर रही होंगी कि अगर आप एक वेबसाइट बनानी है तो ज़रा एज अ कंपिटिटर एनालिसिस करें कि इस तरह की मिलती जुलती जो वेबसाइट्स हैं फॉर एग्जाम्पल किस किस ने बनाई हैं, या हमारे कंपिटिटर्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो पाकिस्तान की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, फॉर एग्जाम्पल लम्स का नाम है, नस्ट का नाम है, ठीक है, जो अच्छी मतलब है आपके जो कंपटीशन में आ रहे हैं, देखें आप आ सकते हैं, ये वो नहीं, आप स्टूडेंट के लेवल की बात करें, आप जो लेक्चर जो टीचर डिलीवर कर रहा है वो अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक कह सकते हैं कि हाँ जी मैंने अपने स्टूडेंट्स को इतना ट्रेन किया, इतना स्किलफुल कर दिया, इतना नॉलेजेबल कर दिया कि डेफिनेटली अगर उसके सामने को लम्स का हो नस्ट का हो वो उसके साथ ये कम्पीट करें। बाकी आपकी फिर अपनी मेहनत होती है, आप कितनी और स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। तो ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये वो आपको और गाइडेंस दे रही है कि जब अपनी साइट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ये भी देखें कि आपकी जो कंपटीटर्स हैं उनकी क्या साइट है। अच्छा, फिर इन क्वेश्चंस के भी आप जो इज़ द पर्पस ऑफ द साइट क्लियर, आप जो वेबसाइट बना रहे हैं जिस मकसद के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बना रहे थे, वो इसमें क्लियर भी हो रही है, जिस मकसद के लिए वो वेबसाइट बनानी थी, जिस मकसद को फुलफिल करके वो वेबसाइट बनानी थी, वो मकसद पूरा हो रहा है। डज द साइट क्लियरली एड्रेस अ पर्टिकुलर ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस को कवर भी कर रही है, या टारगेट ऑडियंस ढूंढती रहेगी कि यार हमारे लिए जो इंफॉर्मेशन हम इस साइट के ढूंढने के लिए आ रहे थे वो कहाँ गई। अब कभी भी वेबसाइट्स के अंदर स्टूडेंट का चैटिंग और ये स्टूडेंट्स के अपने डिस्कशन फोरम नहीं होते, वो अलहदा से पोर्टल्स होते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटियों की कभी भी एजुकेशनल वेबसाइट्स पे स्टूडेंट ऑनलाइन आके चैट करें, स्टूडेंट ऑनलाइन आके कोलेबरेट करें, स्टूडेंट ऑनलाइन के ब्लॉग्स पे काम करें, वो अलहदा ब्लॉग्स और वो होते हैं, वो अगर यूनिवर्सिटी उसको ऑन नहीं करती वो सोसाइटीज ऑन करती हैं, या यूनिवर्सिटी का जो कैरियर काउंसलिंग का सेक्शन है, जॉब अलुमनाई पोर्टल्स का सेक्शन है, तो वहाँ पर जाके वो चीज़ें होती हैं। तो इज द साइट यूजफुल एंड रेलेवेंट टू द वर्ल्ड, इज द साइट इंटरेस्टिंग, इज द साइट एनेबल यूजर्स टू कंप्लीट ऑल द टास्क, कैन दीज टास्क बी कंप्लीश इजिली, टास्क तो प्रोवाइड है मगर वो क्या सक्सेसफुल भी है, वो इजिली अंडरस्टैंडेबल भी है, वो इजी इजी अकम्प्लिश भी यूजर एक कर सकता है कि नहीं कर सकता। Is the information organized in a way that user can expect and understand? Is the most important information is easiest to find? जो उस student एक education website पे क्या चीज देखता है,
किस में इंटरेस्ट लेता है, क्या देखता है कि भाई डिपार्टमेंट कौन से हैं, उनकी फैकल्टी मतलब उस डिपार्टमेंट की कंसर्न फैकल्टी कौन कौन से लोग हैं, उनके नाम, उनकी प्रोफाइल क्या है। मतलब प्रोफाइल में बेसिक तीन चार चीजें आ जाती हैं, सीवीज पे एक लहदा चीज है, प्रोफाइल में नाम आ जाता है, उसका डेजिग्नेशन आ जाता है, उसका इंटरेस्ट एरिया आ जाता है, ठीक है, उसका रिसर्च और उसकी पोजिशनिंग आती है, कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट क्या। अगर उसकी मजीद प्रोफाइलिंग देखनी है तो वो एक प्रोफाइल पे क्लिक करे तो उसकी प्रोफाइल आ जाए कि उसका इंटरेस्ट क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या किए, कितनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, वो सारी साइट खुल जाती है। फिर प्रोग्राम्स आ जाते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम है, उनका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। यार मैं कंप्यूटर साइंस में इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बीएस में करना चाहता हूँ, एमएस में, पीएचडी, क्या क्राइटेरिया है, क्या मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो आपके प्रॉस्पेक्टस पे भी है, वेबसाइट पे भी होता है, किस तरह आप उसको ऑर्गेनाइज करके दिखा रहे हैं। फिर कोर्सेज क्या क्या हैं, प्रॉस्पेक्टस में भी होता है, वेबसाइट पे भी, अगर सिर्फ प्रॉस्पेक्टस में तो कोर्स की आप देखें कि एक सेमेस्टर वाइज भी आ रही होती है और फिर डिटेल कोर्स वाइज की भी आप आ रही होती है, मगर आप वेबसाइट पे सिर्फ कोर्स की सेमेस्टर वाइज आप बता सकते, फीस स्ट्रक्चर आ जाता है, फिर इसी तरह जुड़ी हुई कोई चीज़ें आ जाती हैं। तो मेजर देखें कि किस पर्पज़ के लिए वेबसाइट थी और क्या मकसद था, वो चीज़ें वो अचीव कर रहे हैं। फिर एडमिशन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते नहीं कर सकते, अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना अब है नहीं है ऑनलाइन, हमारी यूनिवर्सिटी में क्या फॉर्म डाउनलोड करो, ये फॉर्म लो, या वहाँ से बैंक चलान से लो जमा दो, तो ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी की साइट्स पे डिफरेंट अपने जो रिजल्ट डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो भी यूनिवर्सिटी के पोर्टल के साथ लिंक हो जाता है, और MIS अपनी आईडी डाले तो स्टूडेंट जो है ना आप अपने रिजल्ट्स भी ले सकते हैं, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जिनको ऑनलाइन पेमेंट का इख्तियार है ऑनलाइन पेमेंट आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जिनके पास कार्ड वगैरह है, या अगर जो नहीं है वो अपना फी वाउचर वो डाल दे तो वो भी एक रिकॉर्ड आ जाता है। तो बड़े डिफरेंट क्राइटेरिया, और मैं बताता हूँ, बहुत साल पहले मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को एडमिशन सेक्शन के लिए ऑनलाइन कभी बना के दिया था कि ऑनलाइन भी स्टूडेंट कहीं से बैठ के अप्लाई भी कर सकते हैं और फॉर्म भी वगैरह सारी चीज़ें बड़ा कुछ दिया था, तो वो उनको प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक सपोर्टिंग था। और बट इट डिपेंड्स अपॉन कि हमारे लोग किस तरह चलना चाहते हैं, मैनुअली करना चाहते हैं या अखबारी करना फटीक करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ईजिएस्ट टू फाइंड, ये देखें वो चीज़ आज, इज द टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन क्लियर, ग्रामेटिकली करेक्ट, आपने मैटर को देखा ही नहीं है, ग्रामेटिकली है, करेक्ट भी है, अलाइन भी नहीं है, लोग सिर्फ उठा के डाटा ऐसे ही फेंक देते हैं। अलाइनमेंट का मतलब है कि उस पैराग्राफ को, उस कॉन्टेक्स्ट को अलाइन जस्टिफाई करना है, लेफ्ट जस्टिफाई करना, राइट जस्टिफाई करना, किस तरीके से आपने उसको देखना, और साइट कंटेन्स ऑफ क्लियर आइडिया व्हाट यू आर शोइंग, और फिर ये जो डू यू ऑलवेज नो वेयर यू आर, हाउ टू गेट वेयर यू वांट, मींस के ये वो पॉइंट है, प्रिंसिपल है कि यूजर कैन ईजिली एक्सेस द सिस्टम फीचर्स फ्रॉम एनीवेयर, वो सिस्टम के किसी भी साइड, किसी भी फीचर पे, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी फीचर को कहीं से भी एक्सेस करना चाहे तो कर सके, क्या कर सक रहा है कि नहीं कर रहा है, इज द प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव, डू द पेजेस लोड। तो बेशुमार क्वेश्चंस हैं, ये वही क्वेश्चन है जो वो आपको एवेल्यूएशन प्रिंसिपल्स में मिलेंगे, क्या ईजी, वो देखें, डू द पेजेस लोड क्विकली इनफ, ये क्वेश्चन ऐसे हैं। अपनी वेबसाइट को देखें, ये देखें लिखा हुआ कि रेट कंपटीटर्स एंड ओन साइट, आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट उठाएं और जो आपके कंपटीटर हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप देख लेंगे आपके, फॉर एग्जांपल इस्लामिक अगर है या और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, लेट्स से कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आ जाती है, हम वेबसाइट की बात करें, हम इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करें, डेफिनेटली हर बंदा एक्रेडिटेड प्रोग्राम में आ रहा है और हमने एक्रेडिटेशन पहले भी अचीव की और इंशाल्लाह हमारी जो फैकल्टी डिपार्टमेंट है वो कंपिटेंसी किसी से कम नहीं है, और इंशाल्लाह जब हम यूनिवर्सिटी को भी इंशाल्लाह जब शिफ्ट कर लेंगे तो बहुत हमारे पास अच्छे फिर अच्छे तरीके से और मैनेज हो जाएंगी लैब्स वगैरह। तो दैट एंड्स द लेक्चर जी, मैं इंशाल्लाह आपको जो असाइनमेंट टास्क हैं वो असाइनमेंट का सिस्टम हुआ, टू पार्ट्स मैंने लेक्चर के शुरू में भी ब्रीफ किया है, वो मैं मेंशन कर दूंगा उसकी क्या क्या चीज़ें कैसे और कब कब सबमिट कराना है, तो इंशाल्लाह आप उस पर काम करें, इन लेक्चर्स के प्रिंसिपल्स को, डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल्स को, इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल्स को, वेबसाइट एवेल्यूएशन के प्रिंसिपल्स को, जो जो है उनको फॉलो करते हुए, मैप करते हुए सारी चीज़ें करें, ठीक है जी। और जो आपने पहली में तो आपने कुछ साइट्स को ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल्स और यूजबिलिटी वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स, जो जो प्रिंसिपल्स मैंने अप्लाई करवाने को कहूँगा वो चीज़ें अप्लाई करके एक चेकलिस्ट बना के एवेल्यूएट करना है, और सिर्फ सपोर्ट और नॉट सपोर्ट क्रॉस टिक नहीं लगाना, एट द एंड जो है
जो जो चीजें जिसमें मेजर रिक्वायर्ड है या जिसमें इम्प्रूवमेंट है, जिन जिन चीजों की या जो जो चीजें लैकिंग है, उसको क्या क्या चीजें आप बता सकते हैं कि किस किस तरीके से ये चीजें बेहतर हो सकती हैं, उसमें क्या बेनिफिट है, और या वो चीजें आप उसको समरी पॉइंट से बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लेट्स से अगर वेबसाइट है तो उसमें किन किन प्रिंसिपल्स की कमी नजर आ रही है जो अप्लाई नहीं हो रहे जो है, और वो किन किन चीजों को उसको फिर फॉलो करना पड़ेगा, उसकी एक एक हर प्रिंसिपल की एक एक दो दो लाइन में जस्टिफिकेशन भी आप दे सकते हैं, तो तब आपको लर्निंग और वो चीजें होंगी। और दूसरा जो एक सेक्शन होगा कि आपने FUST की एक स्टैटिक एक मॉडल वेबसाइट एक बनानी है, और उसको है वो जो एक फोल्डर जो है वो आप बेशक बना के फिर उसको आप उसकी फाइल जो है वो एक फोल्डर बना के आप जिप करके उसको अपलोड कर सकते हैं, और जो बाकी एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है वो आप उसके साथ अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, दैट एंड्स द टुडेज लेक्चर, और हमारा जो कंटेंट वाइज है वो टॉपिक वाइज जो है कंप्लीट हो गए हैं, और नेक्स्ट वीक में कुछ असाइनमेंट भी सबमिशन है, और जो कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं MS